अच्छा ओरे ओरे बस बस बाबा बस माइकल नाम है इसका। वाओ क्या बात है यार। अरे बस बस तो भाई साहब भैया क्या भैया आप कितनी हाइट हो गया अली भाई है? वाओ देख रहे हो आप समझ रहे हो पूरी पैर तो कवर कर ली है बाजी के ना। यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी क्या हालचाल। सो आज का जो व्लॉग है बहुत अमेजिंग होने वाला है बिकॉज़ मैंने बहुत टाइम से सोचा था कि मैं आपको जो है हिमालयन शीप डॉग यानी गद्दी ब्रीड आपको मैं दिखाने वाला हूँ। तो अभी मैं फिलहाल जा रहा हूँ हमारे लाली पाजी हैं उनके पास और वहाँ जाकर मैं आपको दिखाऊंगा। उनके पास ना बहुत बड़े बड़े जाइंट तिब्बतन मस्टीफ एज वेल एज गद्दी ब्रीड है। तो इट्स गोना बी अमेजिंग व्लॉग गाइस। सो मेक श्योर पूरा व्लॉग देखिएगा और हाँ शेयर करना मत भूलिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज़्यादा समय लेते इस व्लॉग को शुरू करते हैं। A few moments later. Okay guys, so अभी मैं फिलहाल पहुंच चुका हूँ पंजाब के अंदर कोर पिंड के अंदर है ना। बहुत पीछे आप देखो पिंड वाइब्स है और इतनी ठंड है ना अलग लेवल की ठंड है मतलब मज़ा आ रहा है। ठीक है पूरा मनाली वाला सीन हुआ है। तो अभी मैं आपको मिलवाता हूँ हमारे लाली पाजी से। तो लाली पाजी के पास आज मैं आया हूँ और स्पेशली मैंने आपको बताया था कि मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ शीप डॉग जिसको हम गद्दी भी कहते हैं हिमालयन शीप डॉग। और मैं सीरियसली बता रहा हूँ आप अभी आप देखोगे ना आगे थोड़ा वीडियो में आप पूरी वीडियो देखना कि कितने खतरनाक मतलब अलग ही लेवल के शीप डॉग्स हैं। तो चलिए गाइस अंदर चलते हैं अभी मिलते हैं लाली पाजी से। ये रहे हाँ जी पाजी की हाल चाल कैसे हो यार आप सुनाइए पुलकित भाई और बहुत बढ़िया है हमारे लाली पाजी। पाजी आपका ये बेटा है? हाँ जी जी मेरा बेटा है। क्या नाम है इसका? इसका नाम हेवन। हेलो हेलो स्मार्ट बॉय। और पाजी कैसा चल रहा है सब? बस बहुत बढ़िया भाई साहब आप सुनाइए। और आज हम आपके पास मैं अपनी ऑडियंस को बता के आया था कि आज हम आपके जो स्पेशली शीप डॉग्स है ना वो दिखाने वाले हैं यानी कि जो गद्दी हिमालयन शीप डॉग्स को कहते हैं ना वो दिखाने वाले। और पीछे आवाजें भी आ रही है तो पहले बैठते हैं पाजी कुछ बातें करते हैं आपसे फिर डॉग्स दिखा। जरूर जरूर आइए। ओके गाइस हमारे साथ है लाली पाजी। तो लाली पाजी सबसे पहले मेरे को छोटी सी आपसे बातें करनी है और बातें करने के बाद जल्दी से हमारी ऑडियंस को दिखाते हैं आपके डॉग्स को कि उनको बहुत ज्यादा इंतजार है। थंबनेल देख के मुझे पता है यार मतलब मन कर रहा होगा आपका। तो आपको ऑलमोस्ट डॉग्स रखते कितना टाइम होगा? मैं सर बचपन से ही रखता हूँ भाई फुलकट भाई बिल्कुल स्टार्टिंग से। हाँ, स्टार्टिंग से। तो ये गद्दी कब से रखने शुरू की? मुझे बचपन से ही गद्दी का शौक है। अच्छा सिर्फ गद्दी का ही? हाँ, जब मैं छोटा था अपने बेटे जैसा तभी से मुझे बहुत ज्यादा क्रेज है इसका गद्दी का ओनली गद्दी का। देख रहे हो मतलब मेरे को तभी था क्योंकि देखो अगर मैं कोई ऐसे एसएच ब्रीडर्स को कवर करूं जो बिल्कुल सिर्फ गद्दी वो एक अलग चीज है पर एक डॉग लवर ने आप समझ रहे हो ना कि पाजी एक डॉग लवर है और मैं पाजी को जानता हूं कभी पहले डॉग शोज में भी मिले हैं। तो जब भी इनके गद्दी देखने को मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरह रखे हैं। और अभी आप देखोगे ना वीडियो में आपको पता लग ही जाएगा कि कैसे देखभाल होती है क्योंकि एक गद्दी का साइज ऑलमोस्ट एक सेंट बर्नार्ड जितना हो भी जाता है अगर अच्छी स्टैंडर्ड अच्छी उससे भी ज्यादा हो जाता है भाई। अच्छा हाँ जी 34 हाइट है हमारे डॉग की। कितना बड़ा साइज है 70 केजी इसका वेट होगा। 70 केजी यार बहुत ही हो जाए। मैं मेरे को लगता है जल्दी से जल्दी दिखाना पड़ेगा आप सभी को। तो पाजी मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा बाकी बातें हम डॉग्स के साथ करते हैं आप डॉग्स को बुला लीजिए। जरूर भाई। ओके गाइस सो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ पाजी का एक डॉग। कितने टाइम का होगा पहले मैं पहले बताऊँ ऑडियंस को? 5 ईयर्स का। और इसका नेम क्या है? बाबर। ऑल इंडिया फेमस है और मतलब अभी आप देखोगे उसको तो आप समझ जाओगे कि वो ऑल इंडिया फेमस क्यों है। भाई साहब भैया क्या भैया आप कितनी हाइट हो गया अली भाई? 6'1" वाह देख रहे हो आप समझ रहे हो पूरी पैर तो कवर कर ली है बाजी के ना। अरे भाई क्या हाइट है इस डॉग की क्या बात है यार। तो ऑलमोस्ट 5 साल का। तो ये कहाँ से आपने इंडिया में ही सारा आपने यहीं से लिया था? क्योंकि इंडिया में ही प्रोड्यूस होती है ये ब्रीड तो ऑब्वियस है। ये मेरा एक फ्रेंड है। हाँ हाँ उनके पास था ये पहले। अच्छा 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 उनसे लिया था मैंने। तो ये अग्रेसिव है? ये अग्रेसिव भी है और फ्रेंडली भी दोनों ही है। अलग मतलब बंदे बंदे पे डिपेंड है। कभी अग्रेसिव होता है और कभी फ्रेंडली। तो अच्छा वैसे अगर हम बात करें गद्दी डॉग की तो गद्दी डॉग को पहाड़ों के ऊपर ज्यादातर मतलब हिमालयन शीप डॉग है तो ऑब्वियसली पहाड़ों बड़े कोट वाले डॉग है ठंड में रहना ज्यादा पसंद है। तो अगर हम बात करें पंजाब में आप कैसे मेंटेन करते हो जब गर्मी होती है? गर्मी बहुत पड़ती है पंजाब में। गर्मी में ऐसे आप पंकज भाई मई तक तो लाते हैं इसको कूलर। ओके कूलर पे रखते हैं और बाद में मई से बाद फिर एसी में हो जाते हैं। अच्छा मतलब जो 4-5 महीने का पीरियड 6 महीने का जो समर होता है वो आप ऐसे एसी और कूलर में निकालते हैं? एसी और कूलर में निकालते हैं। वैसे खुला है यहाँ पे वैसे आप देख ही सकते हो घर बहुत खुला और बहुत सुंदर है पाजी का। तो डॉग्स के लिए इजी है पीछे इन्होंने पूरा सेटअप भी बनाया हुआ है। अरे वाह। तो इसमें अगर हम बात करें इस डॉग की अगर हम बात करें तो ये वैसे कोई डॉग शोज में भी लेके जाते हैं आप इनको? हाँ जी हाँ जी। तो वैसे कंपटीशन तो शायद नहीं कंपटीशन कोई नहीं लड़ाया इसको। हाँ ना ये तो सिर्फ आप वैसे लेकर जाते हो अपने साथ है ना इसको घुमाने दिखाने लोगों को भी क्या चीज है।
वाओ, इसकी अगर बात करूं मैं कोट की तो कितना टाइम लग जाता होगा इसको पूरा साफ करने में पूरे दिन में? कोट? हाँ, मतलब कितने टाइम आप इसको ग्रूम करते हो ऐसे, है ना, जैसे अगर हम बात करें कंघी वगैरह? एक घंटा लग जाता है भाई, डेली? हाँ जी, डेली एक घंटा। भाई यार इसको मेंटेन करने में तो इसके मतलब इसके तो फिर पपीज भी होते रहते होंगे आपके पास? पपी भी अवेलेबल है इसके, पपी भी। वाओ यार, मतलब मुझे मुझे ना ऐसे ये मतलब ऑलमोस्ट तिब्बतन मैस्टिफ और ये ब्रीड एकदम सेम है। पाजी के पास ना तिब्बतन मैस्टिफ भी है, मैं आपको भी वो भी दिखाऊंगा नेक्स्ट, पर यार ये इसने तो दिल जीत लिया मेरा। मन बहुत है इसके पास जाने का पर मैं रिस्क नहीं लूंगा। वाह, तो यार पाजी ऑलमोस्ट अगर हम बात करें जो गद्दी डॉग होता है वो कितने कितने एवरेज क्या प्राइस रेंज होती है उसकी? प्राइस सर अलग अलग क्वालिटी, गद्दी 10,000-10,000 से स्टार्ट होकर लाखों में भी चला जाता है, 45 लाख तक चला जाता है, लाख तक चला जाता है ना। वाह, वो तिब्बतन मैस्टिफ तो आपको पता ही है वर्ल्ड का सबसे महंगा डॉग है। ओए वाह, तो पाजी अभी हम मैं चाहूंगा आप अपने और भी डॉग्स दिखाएं हमारे को साथ में यार। ओके गाइस, सो अभी पास में आ रहा है एक बहुत बड़ा तिब्बतन मैस्टिफ। वाह भाई खतरनाक है, दोनों के दोनों खतरनाक है। पाजी का शौक बड़ा खतरनाक है यार। अरे अरे अरे, ये तो मुझे लगता नहीं इतना एग्रेसिव है, या है ये भी एग्रेसिव? है ऑलमोस्ट कितने टाइम का होगा पाजी? ये 10 मंथ। ओए ओए, ये तो यंग है, 10 मंथ का। वाओ, अरे ओरे ओरे, बस बस बाबा बस। माइकल नाम है इसका? इसका नाम माइकल, नो माइकल, माइकल भाई साहब। कितना कितना, ये भी कितना है? अभी तो ये सिर्फ 10 मंथ का है, तो ऑलमोस्ट ये कितने साल तक ग्रोथ करती है इनकी, कितने साल तक ये बढ़ते रहते हैं? 2-3 साल तक। 2-3 साल ग्रोथ तो करता है भाई माइकल। वाह, तो 2-3 साल तक ग्रोथ इनकी होती रहती है हाइट। तो तिब्बतन मैस्टिफ कैसे रखना शुरू किया, मतलब ये पहला तिब्बतन मैस्टिफ है? पहले भी थे आपके? नहीं, इससे पहले इसकी मदर थी जो मेरे पास। अच्छा, उससे प्रोड्यूस हुआ है। तो आप इसके फादर बता रहे थे कौन थे? बता रहे थे प्राइड है, इसका फादर है प्राइड। ओके, ब्रोनक्स कैनर मनाली है। हाँ हाँ, तो मुझे उनकी क्लिप भेजना जो आप मुझे बताते हैं जो इसका एग्जैक्ट जो इसका फादर है। तो अभी आप एक क्लिप देख रहे हैं तो मतलब आप समझ सकते हो कि इसके अंदर जो ब्लड लाइन है वो कितनी खतरनाक है और ये आने वाले टाइम में कितना ही अलग बनने वाला है। वाह क्या बात है। तो तिब्बतन मैस्टिफ फिर मतलब इसका मतलब आप तिब्बतन मैस्टिफ भी है आपके पास? गद्दी दोनों दोनों डॉग एक ही जैसे उसके रख लिया आपने, है ना? तिब्बतन मैस्टिफ जो इसकी फादर और मदर, फिर बच्चे देने वाली है इसकी मदर इस बार। अच्छा अच्छा अच्छा, वाह क्या बात है। ओए यार ये बड़ा प्यारा बच्चा है, मुझे मेरा मन है इसको हाथ लगाने का, पर मैं नहीं नहीं बाजी रिस्क नहीं लूंगा मैं, मुझे घर जाना है। अरे नहीं 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 नहीं, बस कोई बात नहीं कोई बात। ओके सो गाइस, ये इसका नाम क्या पाजी? इसका नाम लेक्सी। लेक्सी, तो ये बेसिकली माइकल की मदर है। फिर कितने एज होगी इसकी ऑलमोस्ट? इसकी है सर 3 इयर्स। अच्छा 3 इयर्स। हाँ 3-1 साल की है। वाओ बड़ी प्यारी है यार ये भी, पर ये अग्रेसिव है? ये भी अग्रेसिव है? ये भी अग्रेसिव। ये सारी ब्रीड ही अग्रेसिव है, इनका इनका कसूर नहीं है। वाओ, तो मतलब आपके घर में जैसे बच्चे भी हैं तो ये ब्रीड जो बच्चों के साथ रह लेती है अगर शुरू से रखी जाए? बच्चों के साथ तो फ्रेंडली है, घर के बच्चों के लिए, बाहर वालों के लिए नहीं। हाँ मतलब अगर कोई वैसे कोई मतलब किसी और इंटेंशन से घर में घुस रहा है तो उसके लिए रिस्क है? उसके लिए गार्डिंग है, उसके लिए। तो ये गार्डिंग डॉग है ना? वाह यार क्या बात है, मुझे मतलब मेरे को दिख रहा है कि देखभाल करने में इनका टाइम तो ऑब्वियसली लगता होगा। और ये इनकी डाइट क्या रहती है भैया अगर हम बात करें? डाइट इनकी सर काट, दही डालते हैं इनको। कहाँ? और फीड, फीड होगी यार, डालते हैं। तो कितनी मतलब ये अच्छी खासा तो खाते ही होंगे ना, क्योंकि हर बंदा देखो इजी नहीं है इस स्टॉक को मेंटेन करना। ये सेंट बर्नार्ड से ज्यादा भी खाता ही होगा मेरे को ऐसा लगता है कभी कभी तो। ऐसे सर 2 किलो तो दही खा जाता है एक डॉग रोज डेली। हाँ, और आधा किलो 400 ग्राम से आधा किलो मान लीजिए फीड। हाँ, और 3-4 अंडे। क्या बात है। अरे बस बस बस, बहुत गुस्सा आ रहा है इसको। तो पाजी आप मेरे को बता दें कि इसके पपीज भी होने वाले हैं? हाँ इसके पपी होने वाले हैं भाई, 10-12 दिन में ये लेटर दे देगी बच्चे। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या तो इस बार भी ये प्राइड से ही मैंने क्रॉस कराई है, जो सेम फादर इसका है, माइकल का फादर है। हाँ, दोबारा अगेन कॉम्बिनेशन है, मैंने रिपीट कराया जी। वाओ क्या बात है यार। अरे बस बस तो मैं बस शांत। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा, जैसे आप इनके जो पप्पीज होते हैं वो कैसे आपने मतलब आप कैसे देते हैं, क्या आपका मॉड्यूल रहता है उसको? मतलब मेन मॉड्यूल तो पुलकट भाई यही होता है जो केयर करे पप्पी की। हां, छोटे फ्लैट वगैरह में पप्पी नहीं देते क्योंकि ये डॉग है बड़े। हां, क्योंकि ये कोठी वगैरह में बड़े घर में ही रह सकते हैं, है ना, वहाँ भी वही समझ सकते हैं। छोटे घर में नहीं रहते जी, क्योंकि बड़ी ब्रीड है, ह्यूज ब्रीड है। ये बात बिल्कुल सही बोली है भैया ने, क्योंकि अगर आप भी तभी ले, देखो आपके पास अगर स्पेस हो इनको टाइम देने के लिए, ये हर एक चीज की डिमांड करेंगे। अदरवाइज अगर आपका छोटा स्पेस आप बीगल और कोई ब्रीड ले सकते हैं, बट अगर बड़ी ब्रीड ले रहे तो ऑब्वियसली स्पेस आपको चाहिए ही चाहिए होगा।
ओए हाँ तो इनके साथ हमने करवाते हैं बहुत बढ़िया से फोटो ना है बिया और बस शाद ओके गाइस तो मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ यहाँ पर जो बाबर इनका गद्दी डॉग है जो मेन सबसे पहले मैंने आपको दिखाता हूँ उसका एक बच्चा भी यहाँ पर आया हुआ है जो ऑलमोस्ट 2 ईयर्स का है तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ वाओ ये क्या नाम है इसका इसका नाम डोनी डोनी क्या बात है क्या डॉन अरे वाह भाई पहचान लो भाई इसको डॉन है भाई ये खतरनाक है यार इसकी बाबर जितनी हाइट है ना वैसे हाइट सेम है है ना हाँ। कोट थोड़ा सा इसका अलग है डिफरेंट हाँ, डिफरेंट है, है ना मदर साइड बिल्कुल ऐसा लगता हाँ, ज्यादा साइड हो गया थोड़ा वाह भाई बहुत ऊंचा लंबा डॉग है और इसको ये भी है तो गार्ड डॉग ही पूरा अग्रेसिव है वाह यार कितना प्यारा मन करता है इनको हाथ लगाने का बट एक रिस्क जो है ना उसकी वजह से फिर मैं थोड़ा सा हाथ रोक लेता हूँ कभी पता लगे हाथ वापस ना आए वाह तो मतलब आपके घर में ऐसा जैसे आपने इनको कब से रखा हुआ है तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा है इस ब्रीड के साथ कि रखना चाहिए एज अ घर में बिल्कुल अपने मैं तो हर साल एक डॉग बता रहा हूँ अच्छा गद्दी या टिप्टन हमारे पास अभी 5 डॉग है दो फीमेल है मेरी हाँ। मैं फ्रेंड के पास छोड़ी हुई है बच्चे देने वाली है वो भी और घर में अभी 3 ही है अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा तो अच्छा एक्सपीरियंस है मतलब रख सकता है अगर हम फैमिली में रखना चाहे बस एज अ गार्ड डॉग अगर हम रखना चाहे तो रख सकते हैं ना वाओ क्या बात है तो यार पाजी अगर मेरे से कोई आपकी डिटेल चाहे तो आपको कोई पोस्टर वगैरह हम दिखा सकते हैं जिसपे सारी डिटेल लिखी हो हाँ जी पोस्टर भी दे देता हूँ मेरा नंबर भी है हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल 9463135352 9463135352 जी मेरा नंबर है जी तो बेसिकली गाइज आपको अगर कुछ भी शीप डॉग के बारे में जानना है या कुछ भी अगर आप पे है ऑलरेडी आपको नॉलेज की जरूरत है तो पाजी विल हेल्प यू आपका नंबर है बाकी आपको अभी पोस्टर भी दिखाऊंगा वहाँ पे आपको और डिटेल मिल जाएगी पाजी अपनी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट लोकेशन हमारी है यार लुधियाना से चंडीगढ़ रोड ओके मतलब वहीं पर पंजाब में है लुधियाना के 20 किलोमीटर है हमारा वाह क्या बात है तो अगर आपको आपको मैंने लोकेशन भी बता दिया बाकी मेक श्योर अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते तो आप पाजी को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं तो अभी जो है मैं आपको इनका जो है पोस्टर दिखाता हूँ ओके तो आप ये देख सकते हो पाजी के डॉग फार्म का नाम है खली डॉग फार्म और यहाँ पे नंबर भी है तो बेसिकली अभी ये वाले तीनों डॉग मैंने अभी आपको दिखाए हैं यार ये वाला ये देखना फोटो में कितना शरीफ लग रहा है वैसे ये बिल्कुल शरीफ नहीं है सो गाइज विद दैट करते हैं हम आज की वीडियो का एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और हाँ अगर आपको जो है टिब्बतन या उस टिब्बतन भी एज वेल एज गद्दी के बारे में कोई भी इंक्वायरी कोई भी नॉलेज चाहिए सो मेक श्योर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बाजी को और अभी तो बहुत सारे प्यारे प्यारे इनके पास पपीज भी होने वाले हैं वो भी शायद हम आने वाले टाइम में वीडियोज में दिखाएं मैंने खुद भी गद्दी और तिब्बतन का पपी नहीं देखा मतलब तिब्बतन का देखा पर गद्दी का पपी एज सच मैंने देखा नहीं कि कैसे दिखता और जिस हिसाब से इनके डॉग्स के साइजेस हैं तो उनका पपी भी ऑलमोस्ट मुझे लगता है ह्यूज ही होगा तो मैं भी वो चाहूँगा जरूर देखना सो बाकी हम पोस्ट पेज भी है खली डॉग फार्म अच्छा इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे तो खली डॉग फार्म के नाम से इनका फेसबुक पेज भी है सो मेक श्योर टू चेक दैट आउट ओके गाइस तो जो हमारे अपना लाली भाई है वो कबड्डी भी करते हैं मैं आपको भी अंदर उनकी ट्रॉफीज दिखाता हूँ तो यहाँ पे कुछ मोमेंटम्स पड़े हैं जो पाजी को कबड्डी के लिए मिले पाजी आपने कितना टाइम किया वैसे ऑलमोस्ट अभी भी करते हो कबड्डी या हाँ मैं कबड्डी में हूँ रिलेटेड अभी भी ये मतलब है तो मैं अभी ऊपर देख सकता हूँ यहाँ पे ना कुछ पाजी की ट्रॉफीज भी पड़ी हैं यार ये देखना कितनी ह्यूज ट्रॉफीज है सो विद दैट करते हैं हम आज के व्लॉग का एंड आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आपको पता ही है क्या करना है शेयर एंड सब्सक्राइब सो मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट व्लॉग में